मुझे याद है जब मैं यहाँ से दिल्ली गया था हिंदू कॉलेज, तो उस जमाने में वहाँ पे बिहारियों को हैरी कह के बुलाया जाता था। अबे देख हैरी आ गया, अबे वो हैरी है। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था कि यार ऐसा क्या है। फिर दूसरा ये होता था कि बिहार के आप बिहारी हैं क्या? मैं कहता था हाँ मैं बिहारी हूँ। तो बिहार क्यों, ऐसा क्यों पूछा आपने? नहीं, इसलिए पूछे क्योंकि बिहार के लोग ऐसे नहीं दिखते हैं। तो मेरी समझ में कभी नहीं आता था कि बिहार के लोग आखिर दिखते कैसे हैं, बिहार के लोग उनकी क्या दो सींग होती है, उनके कान बड़े होते हैं या क्या, कुछ मेरी समझ में नहीं आता था। तो इस बात के लिए अभी भी बहुत जो है वो चेष्टा करते रहते हैं, प्रयत्न करते रहते हैं कि बिहार को जो लोग, जिन लोगों ने अभी तक आँखों कानों से देखा है, कानों से देखा कहने का मतलब है कि जो एक छवि आपकी बनती है सुनी सुनाई हुई, जो लोगों से आप जानते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, आपकी छवि वैसी बन जाती है। पर जितने भी लोग देख रहे हैं बिहार के अलावा भी, बिहार के बाहर के लोग अगर मुझे देख रहे हैं, तो एक बार आप बिहार आके देखिए, सिर्फ कान से मत देखिए, अपनी आँखों से देखिए कि बिहार दिखता कैसा है। किसी भी बच्चे को अपनी माँ को लेके कभी भी किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट नहीं हो सकता है। माँ माँ होती है, तो बिहार भी मेरी मातृभूमि है, इसीलिए डिस्कम्फर्ट कभी नहीं हुआ। उल्टा हमेशा मुझे गौरव हुआ है, हमेशा मुझे बहुत गर्व हुआ है कि मैंने इस मिट्टी पर जन्म लिया है। कर्मभूमि मेरी मुंबई है, मैं अपनी कर्मभूमि मुंबई का भी बहुत कृतज्ञ हूँ, क्योंकि जो भी चीज़ मैं अगर आज यहाँ भी हूँ तो मैं उसी कर्मभूमि के कारण हूँ, नहीं तो शायद मैं यहाँ पे नहीं होता। तो मातृभूमि और कर्मभूमि का जो सामंजस्य है उसको मैं संतुलित करके चलता हूँ, और मातृभूमि से थोड़ा सा लगाव ज़्यादा होता है क्योंकि आप यहाँ पे पैदा हुए हैं। और मैं पुनः ये कहना चाहता हूँ कि मुझे बहुत गौरव है कि मैं एक घनघोर बिहारी हूँ। मुझे पूरा बिहार ही बहुत पसंद है, चाहे बिहार के लोग हों, यहाँ की, यहाँ पांच भाषाएं हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में पांच भाषाएं हैं, और कहीं भी पूरे देश में आप देख लें तो हर जगह की एक भाषा होती है। किसी भी प्रदेश का आप देखें तो तमिलनाडु जाएंगे तो वहाँ तमिल बोला जाता है, अगर आप आंध्रा जाएंगे तो वहाँ तेलुगु बोला जाता है, केरला जाएंगे तो वहाँ मलयाली बोला जाता है, बंगाल जाएंगे बंगाली बोला जाता है। पर बिहार में पांच भाषाएं हैं, अंगिका, मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका, बज्जिका। बहुत कुछ याद रहता है। मुझे याद है जब चाउमीन खाते थे हम लोग, अभी भी खाते ही होंगे बंजारा में, मौर्य कॉम्प्लेक्स में चाउमीन, वहाँ पे एक अब तो खैर उसको कैरवान कहते हैं, लेकिन एक वैसी चीज़ वहाँ पे अभी भी होती है, शायद होती है या नहीं, अभी है वहाँ पे। तो चाउमीन वहाँ खाते थे, फिर एग रोल यहाँ खाते थे गांधी मैदान के पास, रीजेंट सिनेमा के पहले, तो वो सारी चीज़ें, गोलघर, बहुत सारी चीज़ें, बहुत फॉन्ड मेमोरीज हैं यहाँ पे, पटना मार्केट हो, और अभी तो बहुत सारी चीज़ें आई हैं, लेकिन पहले के ज़माने में मेरे टाइम पे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती थी, पर जीवन बड़ा सरल था, लोग बातें करते थे एक दूसरे से, फ़ोन होता नहीं था हाथ में, तो उन बातों के माध्यम से आपको अपने दोस्त के बारे में, अपने दोस्तों के दोस्त के दोस्तों के बारे में, परिवार के बारे में बहुत सारी चीज़ें मालूम चलती थी, और वो सरलता आप शायद इस जो तकनीकी आप विकास कहेंगे उसके कारण चली गई है। लेकिन ये ज़रूर है कि फ़ोन पे भी आप रहें, वो भी एक ज़रूरी है समय के साथ आगे बढ़ना, लेकिन जो अपने अंदर की भावनाएँ हैं उनको जो है वो, उस फ़ोन को, उन भावनाओं के ऊपर ना हावी होने दें, ये मेरी आप सबसे बहुत दिली प्रार्थना है।